हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास का 14 चैप्टर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है स्टैटिस्टिक्स, वो करेंगे। नाउ स्टूडेंट, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 14.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे हम। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये आपने पहले 8th में और 7th में भी किए हुए हैं ऐसे सम, जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे आप, याद है आपको? बस वैसे ही इन सम को भी करेंगे, ठीक है? नाउ स्टूडेंट, इसका फर्स्ट सम देखो। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोस। यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के जो ब्लड ग्रुप हैं वो हमें दिए हुए हैं, ठीक है? ये पूरे 30 होंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है? तो उसको वो कह रहा है रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है? तो सबसे पहले उसने टेबल बनाने को कहा है, तो हम टेबल बनाएंगे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए ऐसे बॉक्स बना लोगे आप, ठीक है? तो उसमें पहले सीरियल नंबर, देन ब्लड ग्रुप, देन टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर ग्रुप दिए हुए हैं, ए बी ओ और ए बी, ठीक है? ये लिख लिए यहाँ पे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखना है कि जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो वन ए है ना, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, है ना? तो नाइन, अब स्टूडेंट नाइन जो हैं टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं हमें पता है ना, टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं? वन के लिए वन, टू के लिए टू लाइंस, थ्री के लिए थ्री लाइंस और फोर के लिए फोर लाइंस। अब फाइव के लिए क्या होता है? फोर लाइंस को ऐसे जो लाइन तिरछी काटती है वो क्या है? फाइव, ठीक है? तो ये फाइव हो गया। फाइव में कितनी और लाइंस ऐड करें कि नाइन हो जाए? तो फाइव में फोर और लाइन लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नाइन। तो सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? नाइन। ऐसे बी जो है वो ऐसे काउंट कर लोगे, काउंट करके आपके पास आएंगे सिक्स। तो ये फाइव ऐसे लिखोगे आप, साथ में वन लाइन लगा के ये हो गया सिक्स। देन ओ ब्लड ग्रुप के कितने हैं? ट्वेल्व। तो यहाँ से काउंट कर लोगे ना आप ओ वाले कितने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फाइव और फाइव टेन हो गए और टू लाइंस और ट्वेल्व। देन ए बी जो है वो थ्री ही हैं, तो ये थ्री लाइंस लगा लोगे, सामने लिख दोगे थ्री। नाउ टोटल जरूर स्टूडेंट इनको टोटल करके देखोगे आप, ये देखो 30 आ गया ना, तो उसने 30 स्टूडेंट ही बोले थे, इट मीन्स हमारा सम जो है वो ठीक है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ स्टूडेंट, उसने आगे भी क्वेश्चन पूछे हैं कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है? मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप है वो बताना है हमने, एंड विच इज़ द रेयरेस्ट, और सबसे रेयर जो ग्रुप है वो बताना है, ठीक है? तो कौन सा है सबसे कॉमन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट का है, तो वो कौन सा है? ओ का, ठीक है? और रेयर, रेयर मीन सबसे कम जो है, कम कौन है? ए बी ब्लड ग्रुप है ना। तो फिर क्या आंसर होगा इसका? मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, ये तो हो गया फर्स्ट सम हमारा, है ना? अब सेकंड सम देखो, वहाँ पे तो कितने 40 इंजीनियर्स का यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? तो ये जो डाटा है ये ज़्यादा है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते सिंपल बना के, इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लास इंटरवल जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे उसने दिया भी हुआ है कि आपने इंटरवल्स बनाने हैं जो फाइव फाइव का डिफरेंस लेके, ज़ीरो से फाइव, देन फाइव से टेन, फिर टेन से फिफ्टीन। ऐसे स्टूडेंट आप टेबल बना लोगे इसका, ठीक है? यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लिया, देन डिस्टेंस किलोमीटर में, देन टैली मार्क्स, देन फ्रिक्वेंसी। अब जो क्लास इंटरवल है कौन से लिए हैं? ज़ीरो से फाइव, फाइव से टेन, टेन से फिफ्टीन, सो ऑन। अब सबसे छोटा नंबर था हमारे पास टू, ठीक है? और सबसे बड़ा नंबर था 32, है ना? तो इसलिए हम 35 तक जो हैं वो इंटरवल्स लेते हैं, क्योंकि उसके बीच में ही 32 तक ये जो नंबर्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 0 से 5 तक हमने देखना है कि कितने नंबर आए हुए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो देन पहले आपने ये फर्स्ट इंटरवल है यहाँ पे आपने 5 इंक्लूड नहीं करना, ये कहा है ना उसने, ठीक है। आपने उसे सेकंड जो इंटरवल है उसमें काउंट करना है। तो 1 से लेके 4 तक नंबर यहाँ पे आप काउंट कर लोगे, कौन कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं, तो वो होंगे 5, ठीक है। देखो कैसे, ये 3 हो गया, 1, देन और कौन सा नंबर है वो 2, 2 हो गए हैं, देन ये फिर से 3 आया, 3 नंबर हो गए, ठीक है। 5 हमने अभी इसमें काउंट नहीं करना, ये 3, 4 हो गए हैं और ये फिर से 2 आ गया, तो 5 नंबर हो गए टोटल। तो यहाँ पे 5 लाइंस कैसे लगाते हैं, 4 लगा के ये काटते नहीं लाइन, तो ये बन गया 5, ठीक है। ऐसे ही 5 से लेके 10 तक, अब इसमें 5 काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट करोगे तो आपके पास 11 नंबर्स होंगे वहाँ पे, तो 11 कैसे लिखते हैं, 5 और 5 10 हो गए और 1 लाइन 11, ठीक है। ऐसे ही अब जब नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे सेकंड में 10 नहीं काउंट किया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जब आप एक यहाँ पे जिस इंटरवल में ये वाला नंबर काउंट करोगे देन नेक्स्ट में नहीं करोगे। अब हम यहाँ पे नहीं कर रहे लास्ट वाला नंबर काउंट, तो उसको अगले जो इंटरवल है उसमें काउंट करोगे, ठीक है। ऐसे ही सभी को काउंट करके आप लिखोगे, देन टोटल कर लोगे, टोटल करके आपके पास 40 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपका सम जो है वो ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस जो है वो आप करोगे सम्स की, तो एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम भी ऐसे ही स्टूडेंट आपने क्लास इंटरवल बनाने हैं, टैली मार्क्स लिखने हैं, देन फ्रिक्वेंसी टेबल, ठीक है।